दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों वेटिंग लिस्ट के अनुसार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ पा रही है। जो कैंडिडेट 17,000 प्लस की वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आने वाली है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन बहुत ही जल्द दोस्तों आप सभी की जो वेटिंग की प्रक्रिया है उसे यहाँ पर जारी करने वाला है। ऐसी कुछ अपडेट निकल कर आ पा रही हैं वेटिंग वालों के लिए। दोस्तों जितनी भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए यह सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार उम्मीदवारों की डिमांड है कि जो 17,000 प्लस की जो पोस्ट थी उसकी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और भर्ती की प्रक्रिया है वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, पर दोस्तों वेटिंग अभी तक नहीं आई आ पाई है। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्या आचार संहिता यहाँ पर लागू हो जाएगी या इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, सारे जो चुनाव हैं वो पूरे हो जाएंगे तब जाकर जो है इसकी जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ऐसा कुछ उम्मीदवारों द्वारा कहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो यहाँ पर जो है कई सारी एग्ज़ामों के आचार संहिता होने पर भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को की भी पूरा किया जा रहा है, तो उसी तरह से नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा भी जो भी उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है यूपी एनएचएम के 17,000 पोस्ट के, चाहे वो एनएम हो, फार्मिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो या स्टाफ नर्सिंग हो, इन सभी की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अगर एजेंसी द्वारा उनके नोटिस को पब्लिश कर दिया जाता है तो आप सभी की जो वेटिंग है वो 100% कन्फर्म है कि आचार संहिता लागू होने से या आचार संहिता लागू ना होने से उसे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आचार संहिता के अंदर ही दोस्तों वो पूरी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह एक बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल कर आ पा रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो अपडेट है उसमें यही बताया जा रहा है, यहाँ पर अनुमानित बताई जा रही है कि जो प्रक्रिया है वो आप सभी को होली के पहले देखने को मिल सकती है। दोस्तों कैसे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और दोस्तों जो भी प्रक्रिया जो अपडेट निकल कर आ पा रही है उसकी क्या पूरी अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप सभी को वहाँ पर साझा की जाती है। यहाँ पर यूपी एनएचएम की नई वैकेंसियों को लेकर, स्टाफ नर्सिंग की नई वैकेंसी को लेकर, लैब टेक्नीशियन, जितनी भी आप सभी की नई वैकेंसियाँ हैं उन सभी के रिगार्डिंग आप सभी को अपडेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, जो आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, और जितने भी नए यूज़र हैं हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कहा था कि कम से कम यहाँ पर जितने उम्मीदवार वेटिंग में हैं उन सभी का लिस्ट आएगा, और जो उनकी कट ऑफ रेशियो है, जो यहाँ पर पासिंग रखी गई थी, उन पासिंग नंबर पर कैटेगरी वाइज आप सभी की जो वेटिंग है वो भी जारी की जाएगी, क्योंकि लगभग 60-70% जो सीटें हैं वो यहाँ पर खाली हैं, और इसके कारण एनएचएम डिपार्टमेंट उन एजेंसियों को भी यहाँ पर जो है लेटर भेज चुका है, और उनकी जो प्रक्रिया है वेटिंग निकालने की वो भी यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों बात है कि क्या मार्च के अंदर ही या चुनाव के बाद ही वेटिंग जारी की जाएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना चुनाव से ना आप सभी के आचार संहिता लगने से। दोस्तों सिर्फ एजेंसियों को अपने कार्य को पूरा करनी है और यहाँ पर जो है एनएचएम डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है। जैसे ही दोस्तों वो प्रक्रिया सबमिट होगी, आप सभी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो वेटिंग की नोटिस है वो यहाँ पर डाल दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों बताया जा रहा है कि आने वाले समय, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी की लगभग जो 23 तारीख है और यहाँ पर जो 27 तारीख के बीच में बताई जा रही है कि लगभग जो है एक यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम की जो है वेटिंग आने वाली है, ऐसी बातें जो है वो लगातार बताई जा रही हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर लगातार जो है चर्चा चल भी रही थी, और यहाँ पर ऐसी जो है न्यूज़ अभी तक निकल कर आ पा रही है। दोस्तों कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, पर इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय यानी कि 23 से 27 के बीच में एक प्रोग्राम की जो है वेटिंग जारी होने वाली है, और लगभग अच्छी खासी जो है वेटिंग उसके अंदर उम्मीदवारों की लगभग जारी की जाएगी। दोस्तों ऐसी जो न्यूज़ है वो निकल आ रही है, जिसमें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि या फार्मिस्ट की, एएनएम की, लैब टेक्नीशियन की या स्टाफ नर्सिंग की जारी की जाएगी, ऐसी अपडेट अभी तक साझा नहीं की गई है, पर यह 100% कन्फर्म है कि एक वेटिंग आने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर लगातार इस बात पर अपडेट इसलिए किया आप सभी को बताना जरूरी है,
क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं और लगातार यह अपडेट निकल कर आ पा रही है एनसीएम डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि जो वेटिंग है वो जारी होगी अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान दें तो, उनके ट्विटर हैंडल पर इन चीज़ों पर, तो इन चीज़ों पर लगातार अपडेट किया भी जा रहा है कई कई नए तरीक़ों से, और उम्मीदवारों के लगातार इन चीज़ों को लेकर जो है कॉल भी किए जा रहे हैं। तो इससे यह संभावना है दोस्तों कि जो वेटिंग है वो यहाँ पर जारी होगी प्रोग्राम वाइज, आप सभी की स्टेप बाय स्टेप जो है आप सभी की इसकी वेटिंग जारी की जाएगी और प्रक्रिया बाय प्रक्रिया उन सभी को पूरा भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली कौन सी वेटिंग आएगी इसके बारे में पता नहीं है, पर एक वेटिंग जो है आप सभी को 23 से 27 के बीच में देखने की बातें कही जा रही हैं। पर दोस्तों क्या यह पूरी सच्चा है इसके पहले आप देख सकते हैं या नहीं देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वेटिंग लिस्ट कन्फर्म है दोस्तों आप सभी के, मार्च में नहीं तो मैंने आप सभी को बताया था कि अप्रैल में आप यहां पर अप्रैल के माह में वेटिंग 100% आने की कंफर्म जो है वो पूरे तरह से चांसेस हैं दोस्तों। तो यही अपडेट थी जो मैंने आप सभी तक साझा किया। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई नई अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।